तो उसमें प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले पैसे पे करना, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो पहले पैसे पे करते हो उसको प्रीपेड कहते हैं। पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले यूज करना बाद में पे करना, तो प्रीपेड कर रहे हो मतलब पहले ही पे कर रहे हो उनके आने से पहले, वो जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। मैं ऑफर के वीडियोस बनाता हूं कभी भी सेल वेल के, तो किसी भी प्रीपेड के ऑफर्स आते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि प्रीपेड ऑफर लेना कैसे है, क्योंकि वो पेज पे जा रहे हैं तो प्राइस तो उतना ही बता रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसका कुछ प्रोसीजर होता है, ऐसे आप जाओगे तो ऑब्वियसली वही प्राइस रहेगा, अगर आप प्रीपेड करोगे तो आपको ऑफर प्राइस मिलेगा ना। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आज इस वीडियो में यही टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एक फ़ोन बुक करके आपको दिखाऊंगा, बुक तो नहीं करूंगा लेकिन एक प्रोसीजर बता दूंगा कैसे करना है। कुछ हद तक जाएंगे आप बुक कर दूंगा तो मेरे पैसे चले जाएंगे, तो बेटर मैं कुछ लेवल तक जाऊंगा उसके बाद आपको बता दूंगा क्या करना है कोई भी चीज़ बुक करने के लिए और प्रीपेड ऑफर्स उठाने के लिए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट, कोई भी स्मार्टफोन पे अगर प्रीपेड ऑफर आता है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि उस पर प्रीपेड ऑफर है या नहीं, या कुछ लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं झूठे ही खाली वीडियोस के लिए। मैं नहीं करता ऐसा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ओप्पो रेनो 10X जूम का वीडियो बनाया था, उस पर कुछ 10,000 के आसपास ऑफर था, अब 12,000 का ऑफर है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 12,000 का ऑफर है, यानी 37,000 अगर आप किसी 16 बैंक के कार्ड से उससे अगर बुक करते हो तो आपको डायरेक्ट 25,000 मिलेगा। उस प्राइस के हिसाब से कमाल का स्मार्टफोन है, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। सबसे पहले आपको Flipkart पे जाना है या Amazon पे जाना चाहते हो वहाँ भी जा सकते हो, लेकिन मैं Flipkart के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे लेते हैं। Amazon पे प्रीपेड के ऑफर शायद रहे, Flipkart पे जा जाते हैं। सबसे ज़्यादा पहले आपको Flipkart पे जाना है और अपने कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है, पहले मैं ये बता दूं कि ये 16 बैंक्स हैं, साइड में मैं आपको दे रहा हूं, देख लीजिए। इन 16 बैंक्स पे आपको ओप्पो रेनो 10X जूम के ऊपर ऑफर है। आप कोई और ऑफर किसी और टाइम में वीडियो देख रहे हो तो चेक कर लेना कि किस कार्ड के ऊपर ऑफर है और वो कार्ड आपके पास है या नहीं। तो फिलहाल अभी 16 बैंक के कार्ड के ऊपर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्ड को रजिस्टर करना है। कार्ड को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट में एकदम टॉप पे देखो लाइन से उनके ऊपर क्लिक करो और वहां पे जाके अपने कार्ड को रजिस्टर कैसे करना है मैं नीचे लिख के रखा है। साइड में देखो स्लाइड्स आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा क्या करना है। आपको रजिस्टर करने के लिए 16 बैंक के कार्ड अगर हैं तो आप ओप्पो रेनो 10X जूम के लिए कर सकते हो, अदरवाइज जिसके लिए करना है वैसे करो। तो आपको रजिस्टर करना है, वो तीन डॉट्स दिख रहे हैं उस पे आके क्लिक करना है पहले। उसके बाद माय अकाउंट्स करके एक ऑप्शन आएगा, देखो नीचे जाओ स्लाइड करो, माय अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, वहां पे जाना है, क्लिक करो। जैसे ही ओपन होगा वहां पे माय कार्ड्स एंड वॉलेट्स करके एक ऑप्शन है, उस पे क्लिक करो। माय कार्ड्स एंड वॉलेट्स के अंदर जाओगे तो वहां पे देखो कार्ड्स का एक ऑप्शन है, सेव कार्ड्स लिखा हुआ है, वहां पे जाके आप अपने कार्ड्स के इंफॉर्मेशन डाल के कार्ड्स को सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अगर आपने सेव कर दिया है, वीडियो पॉज कर देना अगर आप अभी कर रहे हो तो, देन उसके बाद आपको आना है होम पेज पे फ्लिपकार्ट के, फिर से रिटर्न हो जाना एकदम बाहर। देन उसके बाद आपको जो भी स्मार्टफोन खरीदना है उस स्मार्टफोन के डील पे जाओ। अगर वो होम पेज पे आ रहा है, जैसे मैं जो दिखा रहा हूँ इसमें अगर देखोगे ओप्पो रेनो 10X जूम सामने ही है, नहीं आ रहा है तो आप सर्च करो, उसके पेज पे जाओ एंड क्लिक करके उसको ओपन करो। एंड थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे ना तो वहां पे कौन से बैंक्स पे कौन से कार्ड्स हैं वो सारे ऑफर्स वहां लिखे रहते हैं। अगर इस मोबाइल के ऊपर प्रीपेड ऑफर है तो वहां पे वो मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिखा हुआ है ओप्पो रेनो 10X जूम के ऊपर 12,000 का प्रीपेड ऑफर है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। एंड अगर आपको चेक करना है कि कौन से बैंक के कार्ड पे है तो उसके ऊपर क्लिक करो तो वो ओपन हो जाएगा। वहां पे देखो ओपन कर, जैसे मैंने इसको ओपन किया, देखिए यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन हो गए। अब स्लाइड डाउन करो, एकदम नीचे चले जाओ, वहां पे एनेक्शन 1 लिखा हुआ है, देखिए एनेक्शन 1 में वहां पे आपको लिखा हुआ है कि कौन से 16 बैंक के कार्ड्स पे आपको ये प्रीपेड ऑफर मिल रहा है। तो ये 16 बैंक के कार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप इस पे 12,000 का ऑफ ले सकते हो। अब डेबिट कार्ड पे हैं, क्रेडिट कार्ड पे हैं कि दोनों पे हैं, ये एकदम ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा, अगर आप जाके चेक करना चाहते हो तो वहां से चेक कर सकते हो। तो वो सारी चीजें पढ़ लेना, उसके बाद आप बुक करना। उसके बाद आते हैं बाहर, फिर से उस एकदम बाहर नहीं जाना है, हाँ फोन वाले उस पे रहना है जो आपने पिक किया, जैसे मैं ओप्पो रेनो 10X जूम पे हूं। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है बाय नाउ का ऑप्शन लिखा है ना, उस पे आप क्लिक कर दो डायरेक्ट, तो वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका एड्रेस होगा, एड्रेस है वहां पे। एड्रेस के बाद अगर आप जाओगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन जो नीचे लिखा हुआ है, अगर आपने एड्रेस डाला हुआ है पहले से तो कंटिन्यू करो, नहीं डाला है तो पहले फिल करो उसको या सिलेक्ट करो, जो भी 2-3 एड्रेसेस है तो उसको सिलेक्ट कर लो जो आपको करना है। तो कंटिन्यू करोगे तो पेमेंट वाले ऑप्शन में चला जाएगा।
पेमेंट के ऑप्शन में जो आपने कार्ड सेव किया होगा वो कार्ड, या अगर पहले से दो तीन कार्ड सेव किया तो सारे कार्ड्स के नाम वहां पे होंगे। आपको जिस कार्ड से पे करना है उस कार्ड के ऊपर क्लिक करते ही नीचे अगर आप अमाउंट देखोगे तो अगर वो कार्ड ऑफर में होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर वो कार्ड उस ऑफर में होगा तो नीचे अपने आप अमाउंट 25,000 हो जाएगा। जैसे मेरा SBI का कार्ड है देखिए, एंड जैसे मैंने क्लिक किया नीचे अगर आप अमाउंट देखोगे तो वहां पे लिखा है 24,990 रुपीज। क्लियर, यहां पे आ गया। इसके बाद आपको अपना CVV डालना है। CVV ना मालूम हो तो आपके कार्ड के पीछे जो व्हाइट कलर की पट्टी होती है उसके ऊपर 3 डिजिट्स का, 3 नंबर्स का नंबर होता है, उसको CVV कहते हैं, वो आपको पुट करना है। देन उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू फिर करोगे उसके आगे तो एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपको OTP डालना है, सारी चीजें डालनी है, कुछ दो तीन इन्फॉर्मेशन होते हैं जो सिर्फ आपको पता हो वो चीजें आप डालोगे। वो मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने CVV नहीं डाला है, क्योंकि मैं डालूंगा तो फिर ठीक है, आप उस पर जाओगे। यहां से आपको खुद से करना है, वो पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर CVV तो पहले डालना है, आपको OTP आएगा, OTP डालना है आपको, एंड दो तीन इन्फॉर्मेशन जो आपके पासवर्ड से वो सारी चीजें डालनी है, एंड देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा दोस्तों। यानी आप यहां से ऐसे करके आप जो भी प्रीपेड ऑफर्स हैं उनको उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 10x जूम की ही बात करो, और भी कोई स्मार्टफोन है उसमें सेम यही प्रोसीजर होता है। आपको पहले देखना होता है उसके ऊपर ऑफर है कि नहीं, एंड देन इस प्रोसीजर से आप कर सकते हो। अगर आप पीछे छूट गए हो तो आप पीछे जाके पॉज करके सारी चीजें करके कर सकते हो वीडियो को, और इसी तरह से आप प्रीपेड का ऑफर उठा सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, यही बताना था आपको, जरूर बताइए। पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जब भी मैं सेल का वीडियो बनाता हूँ कोई प्रीपेड ऑफर्स होते हैं तो उस पर प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले पैसे पे करना, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, तो पहले पैसे पे करते हो उसको प्रीपेड कहते हैं। पोस्ट पेड का मतलब होता है पहले यूज करना बाद में पे करना, तो प्रीपेड कर रहे हो मतलब पहले ही पे कर रहे हो उनके आने से पहले, वो जो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखोगे वेक्टेमिस दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।